कुचबिहार का सांसद तथा केन्द्रीय राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक को वाहन लश्कर माथि शनिबार अचानक तृणमूल समर्थक ढुंगा मुड़ा प्रहार गर्दा परिस्थिति उत्पत बनेको थियो। जानकारी अनुसार शनिबार कुचबिहार को दिनहाटा स्थित बुढ़ीहाट में जनसंपर्क अभियान में निस्किएका निशित प्रमाणिक को वाहन तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता रोकेर कालो झंडा देखाएपछि परिस्थिति उत्पत बन्न पुग्यो। टीएमसी समर्थक ढुंगा मुड़ा साथै बम प्रहार गरेको घटना प्रकाश में आएको छ। त्यसपछि बीजेपी को तर्फबाट पनि जवाफी हमला गरिएपछि दुवै तर्फबाट ढुंगा हानहान भएको बताइएको छ। घटनास्थल में पुलिस पुगेर परिस्थितिलाई नियन्त्रण में लिन खोज्दा स्थिति नियन्त्रण में नआएपछि पुलिस ने आंसू गैस प्रहार गरेको थियो। यस घटना में प्रमाणिक को गाड़ी को सीसा फुटेको छ। उदयन गुहाले यसअघि निशित प्रमाणिक जहाँ गए पनि कालो झण्डा देखाउने घोषणा गरेका थिए। उनको उक्त घोषणापछि शनिबार निशित प्रमाणिक दिनहाटामा जनमत संग्रह गर्न गएका थिए। उनी बुढ़ीहाट क्षेत्रमा पुगेपछि यो घटना भएको हो। अहिले क्षेत्रमा व्यापक सनसनी मचिएको छ। বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এটা বাংলা সাধারণ মানুষ মেনে নেবে না, কোনো উত্তেজিত হয়ে নয়, একেবারে সাধারণভাবে স্বাভাবিকভাবে বলছি যে এই রাজনৈতিক পরিস্থিতি যদি চলতে থাকে তাহলে বাংলার যে গণতান্ত্রিক অবস্থা সেটা কিন্তু একেবারে কোলাপস। আপনার গাড়ি তো হামলা হয়েছে, গাড়ি ভেঙে গেছে, কাচ ভাঙুক না, বাংলা সাধারণ মানুষ দেখছে তো কি হচ্ছে। আপনি তো পুলিশকে জানিয়ে এসেছিলেন এখানে পুরো পূর্ব নির্দেশিত। নিশ্চিতভাবে পুলিশি ব্যারিকেড আপনারা দেখুন, যারা পাথর ছুটছে তাদেরকে সেভ করা হচ্ছে, যারা বোমা ছুটছে তাদেরকে সেভ করা হচ্ছে। मंगोलियन आईलेट सर्जरी या एशियन आईलेट ब्लेफरोप्लास्टी, ये सब जो टर्म है एक ही टर्म है। आप सिंपली इसको बोल सकते हैं कि जो अपर आईलेट है उसमें अगर आपके क्रीज नहीं है तो हम लोग इस क्रीज को क्रिएट कर सकते हैं। इसी प्रोसीजर को हम लोग डबल आईलेट सर्जरी या एशियन आईलेट ब्लेफरोप्लास्टी बोलते हैं। ये जनरली आप देखेंगे जो हमारे जो मंगोलियन फेसेस हैं में, जैसे कि जो पहाड़ों पर रहने वाले लोग अपने दार्जिलिंग और सिक्किम और नेपाल के लोग हैं या इस नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग हैं, उनके जो अपर आईलिड है उस पर क्रीजेज नहीं होते हैं। तो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है जिसके द्वारा कि हम ये क्रीज क्रिएट करते हैं। आपकी जो फेस है उसका जो ब्यूटी है उसको हम लोग इन्हांस कर सकते हैं। एलिट सर्जरी बहुत ही सेफ प्रोसीजर है, डे केयर प्रोसीजर में हो जाता है, बहुत ही लो कॉस्ट में हम लोग यहाँ पे करते हैं और कॉम्प्लिकेशन के चांसेस मिनिमम हैं। और आप रूटीन एक्टिविटी सेकेंड डे से ज्वाइन कर सकते हैं और आप एक छोटी सी सर्जरी से अपने चेहरे का जो ब्यूटी है या जो पेरी ऑर्बिटल रीजन जो आईज की जो ब्यूटी है उसको आप इन्हांस कर सकते हैं। मैं आपको अपने कुछ रिजल्ट्स के बारे में दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं इसमें जो पहले का जो फेस है, जस्ट यू कैन सी, ये पहले का फेस है और ये बाद का फेस है, दोनों में आप डिफरेंस देखेंगे। जस्ट सिर्फ और सिर्फ हमने आईलिड सर्जरी जिसमें की है, तो आईलिड सर्जरी करने के बाद जो फेस का जो डलनेस या जो हैवीनेस दिखता है पहले वो ख़त्म हो जाता है। मीन्स आप मोर यूथफुल और मोर यंग दिखना शुरू होते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है यह सर्जरी कराने में तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।